अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर ने मेजर क्रिप्टो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इनमें आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 7 नवंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहां पे ट्रेड हुआ 20,800 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप करें चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन तकरीबन 21,200 डॉलर्स के ऊपर ट्रेड हो रहा था और फिर थोड़ा बहुत साइड बाय साइड दिखाने के बाद बिटकॉइन की वैल्यू ने काफी ज्यादा डंप लिया और उसने अपना जो सा मेजर सपोर्ट लेवल था सबसे पहले 21,000 डॉलर्स के बाद 20,900 डॉलर्स उन दोनों को तोड़ दिया है और करंटली आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 20,900 डॉलर्स के लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो काफी सारी इसकी वैल्यू नीचे आई है और इसने अपना जो सा सपोर्ट लेवल है सोफा रूप ना कर रखा हुआ तकरीबन 20,800 डॉलर्स के लेवल को, जो कि प्रीवियसली ऐसा मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो सबसे पहले बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल है अगर वो आप लोगों को बताता चलूं, तो अगर तो बिटकॉइन अभी भी 20,900 डॉलर्स के लेवल को या 21,000 डॉलर्स के लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले 1 से 2 दिन तक हम लोग बिटकॉइन के प्राइसेस को थोड़ा बहुत और नीचे आता हुआ देखें और अगर बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे आती है तो सबसे पहले 20,500 डॉलर्स का लेवल एक शॉर्ट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन के तकरीबन 20,000 डॉलर से लेकर 20,200 डॉलर तक का लेवल। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मतलब नवंबर के शुरू के वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि पहले जो से 10 दिन है नवंबर के उसके अंदर हम लोग मेजरली बिटकॉइन को थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन या रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे। अगेन 2 से 3 दिन पहले तो हम लोगों ने काफी अच्छा पंप देखा है लेकिन वो रेड रन दोबारा से अब शुरू हो चुका है और अगेन अभी भी जो से 10 नवंबर तक के दिन है उसके अंदर हम लोग देखेंगे मेजरली बिटकॉइन की जो सी वैल्यू वो थोड़ा बहुत हम लोगों को रेड रन या साइड बाय साइड रन ही दिखाती हुई नजर आएगी और फिर उसके बाद हम लोग बिटकॉइन की वैल्यूज को दोबारा से ऊपर जाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद माम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस को भी ऑन करके देखें तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव था लेकिन अब इसकी वैल्यू 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ चुकी है और सो फार इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है 20,750 डॉलर्स के ऊपर उसको ही होल्ड करके रखा हुआ है और अगेन सो फार तो ये इसको होल्ड करके रखेगा लेकिन इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत फिर से नीचे आता हुआ देख सकते हैं जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं क्योंकि कल के दिन के अंदर यूएस के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस वगैरह होने हैं तो इसी वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देखें। तो अगेन अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो मैंने आप लोगों को इसकी कंसोलिडेशन लेवल बता दिया है तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्री से नहीं है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले और वन ऑफ द मेजर थ्रेड जो कि एक नया आया है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं और अगेन अगर ये थ्रेड पूरा हो जाता है तो प्रीवियसली आप लोगों ने देखा था कि लूना क्रैश के अंदर बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो काफी ज्यादा डंप की थी और बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 40,000 डॉलर से भी नीचे हम लोगों को दिखाई दी थी। तो इस बार अगर ये क्रैश हो जाता है, इस टोकन की वजह से ये क्रैश हो जाता है तो हम लोग बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस को 15,000 डॉलर या 10,000 डॉलर के लेवल तक भी देख सकते हैं क्योंकि ये काफी मेजर थ्रेड है। तो इसके ऊपर अगर मैं गाइड करता चलूं तो ये जो सा थ्रेड आ रहा है ये FTX का जो सा टोकन है FTT उसके ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले तो CZ ने यहाँ पे कल के दिन पे ट्वीट की कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने FTX की इक्विटी से अपने आप को आउट किया तो उनको तकरीबन 2.1 बिलियन US डॉलर ऑफ वर्थ के BUSD और FTT टोकन जो है वो दिए गए थे और अब CZ का कहना है कि जितने भी वो FTT को होल्ड करके रख रहे थे वो अब उन FTT को सेल आउट कर देंगे और इन FTT की जो सी वैल्यू बनती है वो बनती है तकरीबन 580 मिलियन डॉलर। तो इस वक्त बाइनेंस की बात 580 मिलियन डॉलर ऑफ वर्थ के FTT टोकन है कि जिनको वो सेल आउट करना जा रहा है और क्यों वो लोग सेल आउट करेंगे क्योंकि रिसेंट कुछ रेवलेशन वगैरह हुई है क्या रेवलेशन वगैरह हुई है वो मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। तो उसकी वजह से CZ ने कहा है कि वो जितने भी FTT को होल्ड करके रख रहे हैं उनको सेल आउट कर देंगे लेकिन जो वो सेल आउट करेंगे उनको एक काफी लंबे प्रोसेस के अंदर करेंगे, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता उसको सेल आउट करेंगे ताकि जो सी लिक्विडिटी है उसको लिमिटेड किया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनकी जो सी इंडस्ट्री है मतलब कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इस वक्त काफी अपने अर्ली एजेस के अंदर चल रही है और इन अर्ली एजेस के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसको काफी ज्यादा हर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि CZ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सा FTT प्रोजेक्ट है मतलब कि FTX एक्सचेंज का प्रोजेक्ट वो शायद फेल होने वाला है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सी बाइनेंस एक्सचेंज है वो टिपिकली कुछ टोकन्स को काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखती है और उन्होंने FTT टोकन को काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा था लेकिन अब वो उसको सेल आउट कर देंगे। तो कौन सी ऐसी रिसेंट रेवलेशन हुई है कि जिसकी वजह से CZ को ये लगता है कि FTX एक्सचेंज का जो सा प्रोजेक्ट है वो एक फेलियर प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो मेजर जो सी न्यूज आ रही है वो आ रही है Alameda की तरफ से।
तो एलिमेंटा जोन्स है वो एक सब्सिडरी है एफटीएक्स एक्सचेंज की, मतलब एलिमेंटा जोन्स है वो काफी ज्यादा तादाद के अंदर यूएस डॉलर या यूएसडीसी जोन्स है वो प्रोवाइड करता है एफटीएक्स एक्सचेंज को। तो सबसे पहले तो इनका जो सा ये ट्विटर का अकाउंट है वो मैं आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग इनको लाजमी तौर पे देखिएगा और आप लोगों को आइडिया होगा कि कितनी ज्यादा तादाद के अंदर एलिमेटा जो यूएसडीसी मतलब कि यूएस डॉलर्स हैं वो प्रोवाइड करता है एफटीएक्स एक्सचेंज को। लेकिन इसके ऊपर न्यूज ये आ रही है कि एलिमेटा जो सा है वो शायद अब बैंकक्रप्ट होने वाला है, और अगर एलिमेटा बैंकक्रप्ट होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा एफटीटी टोकन के ऊपर भी, एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर भी। उसकी वजह से एफटीटी की वैल्यू को हम लोग काफी ज्यादा नीचे आता हुआ देखेंगे। तो क्यों एलिमेटा जो बैंकक्रप्ट होने वाला है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो रिसेंटली कॉइनडेस्क ने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो शेयर की गई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एलिमेटा की जो सी बैलेंस शीट है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो सी तादाद उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है वो होल्ड करके रखी हुई है एफटीटी टोकन की, जो कि एफटीएक्स एक्सचेंज का टोकन है, और वो इतनी ज्यादा तादाद के अंदर है जो कि एफटीटी टोकन की जो सी ओवरऑल सप्लाई है उसके अंदर भी वो शामिल नहीं है। मतलब कि एलिमेटा इस वक्त जितने एफटीटी टोकन को होल्ड करके रख रहा है वो एफटीटी की टोटल सर्कुलेशन सप्लाई से भी ज्यादा है। मतलब कि उन्होंने पेपर्स के अंदर इन टोकन्स को जाहिर नहीं किया हुआ कि वो लोग इतने ज्यादा टोकन्स को एफटीटी टोकन्स को होल्ड करके रख रहे हैं, और उसके अलावा एलिमेंटा ने जितने भी टोकन्स को होल्ड करके रखा हुआ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू बन रही है वो सेवरल हंड्रेड मिलियन डॉलर्स ऑफ वर्थ की वैल्यू है। तो कर क्या रहा था एलिमेंटा यहाँ पे इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो एलिमेंटा ने यहाँ पे एक फ्लाई व्हील स्कीम के ऊपर काम करना शुरू किया था। तो फ्लाई व्हील स्कीम क्या होती है कि जो से लोग होते हैं वो अपना टोकन खुद बनाते हैं, बना के उसको खुद पंप करते हैं, मतलब कि उसको बार बार खुद बाय करना शुरू कर देते हैं, और जब वो उसको खुद बाय करना शुरू कर देते हैं तो ऑफकोर्स की जो सी प्राइस है वो पंप करती है, और जब उसकी प्राइस पंप करती है तो वो जो से भी गेन्स होते हैं उसको बैलेंस शीट के अंदर जाहिर करते हैं। और कौन से गेन्स, मतलब कि वो वाले टोकन्स की वैल्यू वो बताते हैं जो कि उन्होंने टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर नहीं रखी होती है, बल्कि वो लोग खुद उसको बस होल्ड करके रख रहे होते हैं, उसकी भी प्राइस को वो लोग ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। मतलब कि वो दिखाते हैं कि भाई हमारा जैसा टोकन है वो काफी ज्यादा पंप कर रहा है, और जब टोकन काफी ज्यादा पंप करता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उस टोकन के ऊपर, और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग अपना जैसा प्रॉफिट है उसको कैश आउट कर लेते हैं। और ऐसा ही जो सा सीन था वो हम लोगों ने देखा था सेल्सियस नेटवर्क की तरह से, मतलब कि सेल्सियस नेटवर्क ने भी ये किया था, अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, अपने टोकन की प्राइस को खुद पंप किया, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्राइस को ज्यादा पंप नहीं कर सके, खुद अपने टोकन को दोबारा बाय नहीं कर सके, कि जिसकी वजह से जो सेल्सियस नेटवर्क है वो बैंकक्रप्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि जो एलिमेंटा है वो भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है वो कर रही थी, खुद अपने जो सा टोकन है कि जिसकी सबसे ज्यादा तादाद उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है एफटीटी की, वो उसकी प्राइस को खुद पंप कर रहे थे। अगेन आप लोग यहाँ पे जो सा फ्लाई व्हील स्कीम है उसके बारे में प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग खुद जो है टोकन की वैल्यू को पंप करते हैं, फिर जो है टोकन की वैल्यू को थोड़ा बहुत लिक्विडेट करते हैं, और इससे वो लोग तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर का एसेट जो है उनको इकट्ठा करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर्स के अंदर, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो टोकन है वो इनकी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर नहीं होते हैं। तो अब हो क्या रहा है एफटीटी के साथ, क्योंकि एलिमेडा ने काफी ज्यादा तादाद के अंदर एफटीटी के जो से टोकन्स हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ था, और एलिमेडा के ऊपर ये चीज जाहिर की जा रही है कि ये लोग बैंकक्रप्ट होने वाले हैं और ये लोग खुद एफटीटी की जो सी प्राइसेस को पंप कर रहे हैं। तो ये थी कुछ रिसेंट रेलिवेशन के जिसको सामने रखते हुए सीजी ने ये कहा कि वो अपने जो से एफटीटी टोकन्स हैं उनको सेल आउट करने लगे हैं। तो अगेन ये काफी बड़ी न्यूज थी एफटीटी टोकन के लिए, और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग जो है वो एफटीटी टोकन को सेल आउट कर रहे हैं, और इसकी वजह से एफटीटी की जो सी वैल्यू है उसको हम लोगों ने काफी ज्यादा डंप होता हुआ देखा है। मतलब कि जब से ये जाहिर हुआ है कि एलिमेंटा जो है बैंकक्रप्ट होने वाला है, तब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एफटीटी की जो सी वैल्यू है वो काफी ज्यादा नीचे आई है, मतलब कि काफी ज्यादा लोगों ने एफटीटी को सेल आउट करना शुरू किया है, और एफटीटी की वैल्यू तकरीबन 16.7% तक नीचे आई है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को आगे जाके कार्ड करता चलूं, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि FTX एक्सचेंज से जो उनसे FTT टोकन ट्रांसफर होते हैं वो ज्यादातर उन वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं जिन वॉलेट्स को एलिमेडा होल्ड करके रख रहा है। मतलब कि ये सारा का सारा एक सर्कल जो है उन्होंने बनाया हुआ था, खुद अपने टोकन को जो है वो एलिमेडा के अंदर सेंड करते थे FTT, खुद जो है उसकी वैल्यू को पंप करते थे, और खुद उसकी वैल्यू को डंप करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो जनरेट करते थे, और जो से भी एलिमेडा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होते थे वो उनको सेंड कर देते थे FTX एक्सचेंज को। तो ये कुछ सिस्टम जो है वो चल रहा था कि जिसकी वजह से
सीजी ने ये कहा है कि उनको लूना क्रैश की वजह से काफी ज्यादा लर्निंग हो चुकी है, और इसीलिए वो अपने जो से एफटीटी टोकन्स है उनको लिक्विडेट करने जा रहे हैं और उनको वो सेल आउट करने जा रहे हैं। तो सीजी को ये लगता है कि एफटीएक्स जो सा पूरा एक प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट लूना प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब कि नेक्स्ट लूना ये क्रैश हो सकता है, और अगर ये नेक्स्ट लूना क्रैश होता है तो इसकी वजह से बिटकॉइन और तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर हम लोग काफी बड़ा क्रैश देख सकते हैं, और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो तकरीबन $10,000 से $15,000 के लेवल तक भी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। तो ये थी एक बहुत ही मेजर अपडेट, आप लोगों ने इसके बारे में आज के दिन के अंदर देखा होगा, एफटीटी और सैम बैंकमैन फ्रंट के अंदर काफी ज्यादा टेंशन वगैरह चल रही है, सीसी भी एफटीटी को सेल आउट कर रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा वो सिनेरियो के जिसकी वजह से ये लग रहा है कि एफटीटी की जो सी वैल्यू है वो काफी ज्यादा डंप यहाँ पे कर सकती है। तो अगेन मैंने आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली गाइड करना था, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने एफटीटी के अंदर फंड्स को हैंडल करना है। अब अगर एफटीटी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, करंटली ट्रेड वर्थ 22.08 और उसके ऊपर करंटली सब 22 का सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करने की ये कोशिश कर रहा है, और अगर इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आती है क्योंकि अगेन काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एफटीटी के ऊपर क्योंकि ये काफी बड़ा जो सा इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू $21 से नीचे आ जाती है तो $20 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और $20 के लेवल नेक्स्ट जो सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $19 के ऊपर भी। और अगेन अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन काउंट करके खाता चलो तो ऑफकोर्स ये अपनी तमाम एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, इसकी वजह से तमाम एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन है वो काफी जल्द बिल्कुल फ्लिप हो जाएंगे, मतलब कि सबसे नीचे 21 एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन उसके ऊपर अभी तक तो आ रही है 200 एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन, लेकिन बहुत जल्द 50 एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन भी इससे नीचे आ जाएगी, फिर 100 और फिर उससे ऊपर हम लोग 200 एक्सपीरेशन मूविंग एवरेज की लाइन को होता हुआ देखेंगे। तो अगेन जो सी अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है इसके ऊपर वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, मैं तो आप लोगों को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर ट्रेड सो फार करें क्योंकि अभी सैम बैंकमैन फ्रेड की तरफ से इतनी ज्यादा हम लोगों ने क्लियरेंस जो है वो इसके ऊपर नहीं देखी है। और अगेन थोड़ी भी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को और देता हूँ तो सीजी जो से ये जितने भी अपने एफटीटी टोकन को सेल आउट करने लगे हैं एफटीएक्स एक्सचेंज ने ये कहा कि वो सारे के सारे एफटीटी टोकन को बाय आउट खुद कर लेंगे ताकि एफटीटी टोकन की जो सी वैल्यू है वो काफी ज्यादा लिक्विडेट ना कर सके। तो ये थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो कि आप लोगों को लास्ट में देना जरूरी थी। तो अब अगर इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो काफी रिस्की ट्रेड के ऊपर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा $22 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा $22.5 के ऊपर। इसके अलावा इसके ऊपर अगर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं, अगेन काफी रिस्की ट्रेड है, मैं आप लोगों को इसके ऊपर सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $21 के ऊपर, उसके बाद $20.2 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $19.2 के ऊपर, और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $21.5 के ऊपर, $22.5 के ऊपर, अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $23.3 के ऊपर, और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एफटीटी के ऊपर से। तो ये थी आज की मेजर अपडेट, और मेजर अपडेट आप लोगों को इस क्रैश के ऊपर देना बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि इस वक्त टेंशन वगैरह चल रही है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और लोगों को लग रहा है कि इस एलमीडा बैंक्रप्सी की वजह से एफटीटी का एक बहुत बड़ा क्रैश होगा, और अगर एफटीटी का बहुत बड़ा क्रैश होगा तो तमाम क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा डाउन आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों को किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।